नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, इस बार 20 स्पेशल ट्रेन के सहारे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और विभिन्न जगहों पर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था रेलवे प्रशासन ने की है। देखिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ये जो बनाए गए हैं दो जगह, एक स्टेशन से जैसे ही उतरिएगा तो दाहिने तरफ और फिर बाएं तरफ ये बनाए जा रहे हैं। देखिए, ये पंडाल है कि अगर कोई आता है शाम में या उसको बेनीपुर, कुशेश्वर स्थान या झंझारपुर, फिर अगर कहें तो जाले, अन्य जगहों पर हनुमान नगर, हयाघाट जाने के लिए अगर कोई सवारी नहीं मिल पाती है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो यहाँ पर रात में स्टे कर सकता है। उसके लिए पीने की पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर देखें पंखा भी लगाए जा रहे हैं, मरकरी लगाए जाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लगाई जा रही हैं ताकि यहाँ पर कोई यात्री रात भर विश्राम करें और सुबह यहाँ से जा सके। आप लोगों को कौन किसी के द्वारा लगाए जा रहे हैं? ये रेलवे के तरफ, ये रेलवे के द्वारा? जी रेलवे की तरफ। अच्छा, तो ये दोनों तरफ लगाए, कल उधर भी लगा रहे थे? हाँ, दोनों तरफ। इधर 600 आपने कहा था कि 600? हाँ, इधर कितने लोग? वो इधर है तो ये 55-60 का ये स्क्वायर फीट, यानी जोड़ लीजिए कितना हो गया, 50-60 स्क्वायर फीट में बना है। इसमें हम तो समझते हैं कि 300-400 आदमी इसमें भी है। अच्छा, पंखा लगाया जा रहा है, पंखा की व्यवस्था क्या? हाँ, पंखा है, पानी है, मरकरी लगेगा। अच्छा, कल का पानी सब का व्यवस्था है। कल कितने जो वहाँ पर आपने जो बनाया था, कल कितने लोग वहाँ ठहरे थे रात में? हम तो रात में थे नहीं, अंदाजा मतलब कुछ अंदाज कैसे बता सकते हम? देखिए, लोग ठहरते हैं कि नहीं? हाँ, ठहरते हैं, ठहरते हैं, तभी तो ये रेलवे हर साल करती है इसका। अच्छा, तो यहाँ पर जो रात में ठहर करके फिर खाना वाना खाने खा करके फिर वो सुबह यहाँ चल जाते हैं? हाँ, सुबह में चले जाते हैं, अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे जैसे उनको भाड़े के लिए टेम्पो, ऑटो, जीप जो मिला अपना करके अपना चले गए। तो देखिए, यहाँ पर रेलवे प्रशासन के द्वारा यहाँ पर देखिए ये 55 स्क्वायर फीट और कम से कम यहाँ 400 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। रात में यहाँ ठहरिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप निकलिएगा तो दाएं और बाएं दोनों तरफ आपको ये शमियाना और टेंट गिरा हुआ मिलेगा, जो पूरी तरह पंखा के अलावा यहाँ पर जो मरकरी हो, यहाँ सभी व्यवस्था है सुरक्षा के। इसके अलावा देखिए आगे यहाँ टेम्पू भी लगे हुए हैं और टेम्पू के सहारे आप अपने गंतव्य स्थल पर जा सकते हैं। और आपको हम दिखा दें, जैसे ही बाहर निकलिएगा टेंट से, रेलवे स्टेशन के तरफ अगर बढ़िएगा तो यहाँ आपको देखिए डिलक्स टॉयलेट और बाथ है, डिलक्स टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ, ताकि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो भी यात्री आते हैं उनके रहने के लिए और उनकी विशेष व्यवस्था। चूँकि यहाँ देखिए ये डिलक्स टॉयलेट यहाँ पर जो है सो बना है उन लोगों के लिए जो रात में अगर वहाँ स्टे करते हैं तो आप यहाँ पर रह सकते हैं, तो यह डिलक्स टॉयलेट की भी व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ देखिए टेम्पू भी लग जाते हैं और दरभंगा रात में अगर आप आते हैं तो रात में आप दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ठहर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बता दें कि गाड़ियों, जब मोटरसाइकिल से अगर कोई ऐसा है कि मोटरसाइकिल यहाँ लगाकर आप कहीं और जा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए सैकड़ों गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ पर कोई रात में गाड़ी लगा के जा सकते हैं। कितने दिन तक गाड़ी आप रखते हैं यहाँ पर? 48 घंटा। 48 घंटा क्या चार्ज लेते हैं? 12 घंटा 10 रुपये। 12 घंटे का 10 रुपये लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सुविधा है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी गाड़ियों को यहाँ मोटरसाइकिल को लगा करके आप पटना चले जाए, 48 घंटे तक आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी। हालांकि 10 रुपये 12 घंटे का 10 रुपये लिया जाता है। तो दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हम दिखा रहे हैं कि जो तमाम अपडेट है वो दिखा रहे हैं कि अगर आप बाहर से आते हैं, क्योंकि 20 स्पेशल ट्रेन चल रही है, अगर आप आते हैं रात हो गई तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इस जो शेड बना हुआ है रेलवे प्रशासन के द्वारा वहाँ आप ठहर सकते हैं। बाहर आपको डिलक्स टॉयलेट है, इस तरह आपको टेम्पू है, अगर गाड़ी से हैं तो आप मोटरसाइकिल यहाँ पर लगा सकते हैं। तमाम व्यवस्था हम आपको अपडेट दिखाते रहें, देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद।